मैं इंडिया का अनऑफिशियल अम्बेसडर हूँ। भाई कई लोगों ने जोर लगाया कि मेरा कमबैक ना होता है। सो गाइज वेलकम बैक टू द वीडियो। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि 3 दिन पहले अपने हनी पाजी का दुबई में एक लाइव शो हुआ था जहां पे यंग स्टनर्स भी आए थे और ये दोनों एक दूसरे से मिले भी थे। सो अभी अभी इन दोनों का वहीं से एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें ये लोग एक दूसरे के बारे में कुछ बोल रहे हैं। आप लोग छोटी सी क्लिप देख लो। हनी सिंह जी, पहले तो वेलकम करते हैं आज के शो में आपको। थैंक यू। और दुनिया पागली पड़ी ये आज की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? आपने तो पूरा सामान लूट लिया। बस जी मेहरबानी आपकी, आपको अच्छी आई। क्या कहेंगे आज के इवेंट के वाले से? पहली बात तो इस्तकबाल तो मुझे आपको करना चाहिए क्योंकि मैं इंडिया का अनऑफिशियल अम्बेसडर हूँ यूएई का। मतलब लोग मुझे माने ना माने लेकिन यूएई से मुझे इतना प्यार है। और मेरा आगाज जो हुआ था ब्राउन रंग गाने से, वो मैंने दुबई में ही शूट किया था जिससे पूरी दुनिया में एक शोहरत का नाम बड़ा हुआ और मुझे मौका मिला आगे बढ़ने का। तो मेरे लिए दुबई बहुत लकी है, तो आपको दुबई में मैं वेलकम करता हूँ। आज के इवेंट में बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं। यंग स्टनर्स को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था और वो हैं भी बहुत कमाल के। कमाल का उन्होंने परफॉर्म किया और बहुत जबरदस्त शायरी है उनमें, वो जबरदस्त बात है। बाकी एवरीबॉडी, जैस्मिन सैंडलेस इज माय फ्रेंड, एवरीबॉडी, द होल लाइनअप वाज अमेजिंग। अच्छा महसूस करते हैं लाइक एवरी टाइम, हमेशा जब भी दुबई आते हैं तो एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इट्स बीन अ प्लेजर फॉर अस टू बी शेयरिंग अ स्टेज विद सच बिग नेम्स एंड यह भी अभानी सिंह खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो दुबई के बाद कल रात हनी पाजी का पुणे में भी लाइव शो हुआ था जो कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा। सो इसी वाले शो से एक और वीडियो सामने आई है जिसमें अपने हनी पाजी ने इशो बॉय जियान को कमबैक वाली लाइन पे एक बार फिर से रिप्लाई किया है। मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ। भाई कई लोगों ने जोर लगाया कि मेरा कमबैक ना होता है, लेकिन आप लोगों की वजह से वापस आ गया हूँ। एक बार अपने लिए शोर मचाओ। आई लव यू पीपल। मैं तो एक बंद कमरे में 5 साल तक बैठा रहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पतला हो पाऊंगा, स्टेज पे खड़ा हो पाऊंगा, गाने गा पाऊंगा, लिख पाऊंगा। सो ये पूरा शो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग मेरी लास्ट वीडियो देख लेना जिसमें होमी दिल्ली वाला ने पूरा का पूरा मैं कमीना सॉन्ग लीक कर दिया है। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो अपने हनी पाजी का जो आओ राजा सॉन्ग है, क्या उसका सेकंड वर्जन ड्रॉप हो चुका है? क्योंकि अगर आप स्पॉटिफाई पे यो यो हनी सिंह की प्रोफाइल को खोलोगे तो आपको उधर आओ राजा सॉन्ग का भोजपुरी वर्जन देखने को मिलेगा जिसमें म्यूजिक तो हनी पाजी का है लेकिन सिंगर एकदम ढिंचक पूजा जैसी है। शर्म के पर्दा हटा के मजा दे हब हम हौले हौले फुल बॉडी परफ्यूम लगा के। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। सो पता नहीं यार कैसे कैसे लोग हनी पाजी के सॉन्ग्स खराब कर रहे हैं। मैंने हनी पाजी की टीम से तो बोल दिया है वो जल्दी इस पे एक्शन वगैरह ले लेंगे। खैर अभी के लिए बस इतना ही। यहाँ तक आए हो तो लाइक का बटन दबा के जाना। बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।